हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी अटेम्प्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में, जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन में रखा जाता है। किडनी को हम हिंदी में व्रक भी कहते हैं और कई लोग उसे गुर्दे के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उसी किडनी, उसी व्रक के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी। जो किडनी है वो है क्या? सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल उठता है, जो किडनी है वो क्या है? तो द किडनी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच वेटेड ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईस्ट साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। इट मीन्स जो ह्यूमन किडनी है वो मेनली पेयर में पाई जाती है। वो सिंगल पेयर होता है, मीन्स संख्या में दो होती हैं, और वो हमारी बॉडी में एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मीन्स ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, उन्हें हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो जो किडनी है वो किस में आती है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आती है। विच इज़ वेटेड ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे पाई जाती है। किधर पाई जाती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, या हम कहें रिट्रो पेरिटोनियल कैविटी। वन ऑन ईस्ट साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसमें उधर की तरफ जो पाए जाने वाले वर्टिब्रल कॉलम्स हैं उनके दोनों साइड बिहाइंड द पेरिटोनियम हमारी किडनी लोकेट होती है, हमारी किडनी पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी। जो किडनी है उसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, निकाल देना। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं हम शेप ऑफ किडनी। किडनी है उसकी शेप होती है वीन शेप। जो हमारी किडनी होती है उसकी शेप कैसी होती है? वीन शेप। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं जो मैंने आपको सामने बनाया है। तो हमारी जो किडनीज होती हैं वो किस शेप की होती हैं? वीन शेप की। तो ये कौन सी शेप है? वीन शेप। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट, लोकेशन। जो हमारी किडनी है उसकी लोकेशन क्या होती है? तो किडनी पाई जाती है रिट्रोपेरिटोनियली। जो हमारी किडनी होती है वो रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी में पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी दोनों एक ही बात है। इन दोनों के पीछे की तरफ, यानी पेरिटोनियम लेयर के पीछे की तरफ, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में एक कैविटी होती है, उसे हम रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारी दोनों राइट और लेफ्ट किडनीज पाई जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं कि जो किडनी है वो हमारी रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी में कौन कौन से जगह को, कौन कौन से रीजन्स को घेरती है, कौन कौन से रीजन को ऑक्यूपाई करती है। तो किडनी एपिगैस्ट्रिक रीजन को, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को, अम्बिलिकल रीजन को, राइट लंबर रीजन को और लेफ्ट लंबर, इन सभी रीजन्स को ये ऑक्यूपाई करती है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो मेनली 9 रीजन्स में बटी हुई होती है। कितने रीजन्स में? 9 रीजन्स में। वो कौन कौन से होते हैं? ये वाला जो रीजन है आप देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये जो रीजन है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहलाता है। ये जो रीजन है ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। नेक्स्ट, जो अगला रीजन है इसे हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के नीचे राइट लंबर रीजन और उसके नीचे राइट इलियक फोसा, ऐसे ही एपिगैस्ट्रिक के नीचे अम्बिलिकल रीजन होता है और अम्बिलिकल के नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। ऐसे ही लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के नीचे लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन के नीचे लेफ्ट इलियक फोसा होती है। तो इन 9 रीजन्स में से 6 रीजन्स को, कितने रीजन्स को? 6 रीजन्स को हमारी किडनी ऑक्यूपाइज करती है, माने घेरने का काम करती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किडनी के कलर के बारे में। तो जो किडनी है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। जो हमारी किडनी होती है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। एंड अगर हम वेट की बात करें तो मेल में होता है 150 ग्राम और फीमेल्स में होता है 135 ग्राम्स। मेल में कितना होता है? 150 ग्राम और फीमेल में होता है 135 ग्राम्स। क्लियर?
उसके बाद में नेक्स्ट साइज, साइज ऑफ किडनी, लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करें तो ये होती है 11 सेंटीमीटर, अगर हम विड्थ माने चौड़ाई की बात करें तो ये होती है 6 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ किडनी इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो हमारी किडनी होती है उसकी एक्सटर्नली अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो जो हमारी किडनी होती है उसमें टू पोल्स होते हैं, टू बॉर्डर्स होते हैं एंड टू सरफेसेस होते हैं। अगर हम एक्सटर्नली किडनी को देखेंगे तो उसमें क्या क्या होता है, टू पोल्स होते हैं, टू बॉर्डर्स होते हैं एंड टू सरफेसेस होती हैं। अब ये होती कौन कौन सी हैं, अगर हम पहले बात करते हैं टू पोल्स की, तो टू पोल्स होते हैं अपर पोल एंड लोअर पोल। टू पोल्स कौन कौन से होते हैं, अपर एंड लोअर पोल्स। तो आप इस नीचे बने हुए डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अपर पोल, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं लोअर पोल। क्लियर। तो ऊपर वाला हो गया अपर पोल और नीचे वाला लोअर पोल। ठीक। नेक्स्ट टू बॉर्डर्स, किडनी के अंदर दो बॉर्डर होते हैं, दो किनारे होते हैं, बॉर्डर मीन्स किनारे, तो ये दो होते हैं मीडियल एंड लेटरल। कौन कौन से, मीडियल एंड लेटरल। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो बॉर्डर है ये मीडियल बॉर्डर है, ये पूरा जो बॉर्डर है ये मीडियल बॉर्डर है, और ये बॉर्डर लेटरल बॉर्डर कहलाता है, इसको हम लेटरल बॉर्डर के नाम से जानते हैं। क्लियर। उसके बाद में बात आती है टू सरफेसेस की, जो हमारी किडनी है उसमें दो सरफेस, सरफेस मीन्स होता है सतह, तो दो सरफेस होती हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो सरफेस है, ये सामने वाली जो सरफेस है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर सरफेस, और इसी सरफेस के पीछे जो सरफेस पाई जाती है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। क्लियर। चलिए उसके बाद में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में, ये होते क्या हैं। टू पोल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी के दोनों पोल्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं अपर पोल की तरफ, तो इट इज़ ब्रॉड एंड इट इज़ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द करस्पॉन्डिंग सुप्रा रीनल ग्लैंड एंड क्लोजर टू द मीडियल प्लेन। यहाँ पर याद रखने की वाली बात यह है कि जो अपर पोल होता है, जो हमारी किडनी का, जो हमारी किडनी है उसका अपर पोल जो होता है, अपर पोल ये ब्रॉड होता है। कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड के, किससे कॉन्टैक्ट में रहता है ये, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये सुप्रा रीनल ग्लैंड क्या होती है, ऐसी ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसको हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। उसके बाद में सेकंड आता है लोअर पोल। जो लोअर पोल है वो पोल होता है नैरो, और ये हमारी किडनी में लोअर साइड में यानी निचले हिस्से में ये पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। जो लोअर पोल है वो नीचे की तरफ होता है एंड जो अपर पोल है वो ब्रॉड होता है और लोअर पोल नैरो होता है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किडनी के टू बॉर्डर्स के बारे में। जो हमारी किडनी है उसमें दो बॉर्डर्स होते हैं, कौन कौन से, पहला मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर कैसा होता है, इट इज कॉनकेव। मीडियल बॉर्डर इज कॉनकेव। जो मीडियल बॉर्डर है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव मीन्स धसा हुआ। एंड इट्स मिडिल पार्ट सो डिप्रेशन कॉल्ड हाइलम। अगर हम किडनी में देखें तो उसमें मीडियल साइड में एक डिप्रेशन होता है, उसे हम कहते हैं हाइलम। ये हाइलम क्या होता है, हाइलम इट इज द पार्ट विच इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। इस हाइलम के अंदर फॉलोइंग यानी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। ये कुछ स्ट्रक्चर एंट्री और एग्जिट करती हैं। ये जो हाइलम है ये क्या होता है, हाइलम एक स्पेशलाइज जगह है हमारी किडनी के मीडियल बॉर्डर पर, एक स्पेशलाइज जगह है जहाँ से होकर के मोर देन वन स्ट्रक्चर्स एंटर और एग्जिट करती हैं। क्लियर। उसे हम हाइलम कहते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स का नाम है रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। क्लियर। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट अगला बॉर्डर, लोअर बॉर्डर। तो ये बॉर्डर होता है कॉनवेक्स। तो यहाँ पे क्या अंतर दिखा आपको, जो मीडियल बॉर्डर है वो तो होता है कॉनकेव और जो लेटरल बॉर्डर है वो होता है कॉनवेक्स। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टू सरफेसेस की। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी किडनी की सरफेस होती है वो होती है एंटीरियर सरफेस। सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीरियर सरफेस के बारे में। तो एंटीरियर सरफेस इज इररेगुलर सरफेस। ये जो सरफेस है वो इररेगुलर होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इम्प्रेशंस। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जितने भी इम्प्रेशंस हमारी किडनी में होते हैं वो सभी जनरली एंटीरियर सरफेस पर पाए जाते हैं। इम्प्रेशंस का मतलब कोई दूसरा ऑर्गन हमारा
किडनी से किस किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो इसे हम एंटीरियर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। जो एंटीरियर सरफेस है उसके इंप्रेशंस को हम एंटीरियर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एंटीरियरली किडनी में सुप्रा रीनल एरिया होता है दोनों तरफ, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, उसमें सुप्रा रीनल एरिया होता है। सबसे पहले बात करेंगे राइट वाली की, तो राइट में सुप्रा रीनल एरिया, हेपेटिक एरिया, ड्यूडेनल एरिया, कोलिक एरिया और जिजनल एरिया, ये सभी एरियाज पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं इजीली। एंड लेफ्ट किडनी में गैस्ट्रिक एरिया, स्प्लीनिक एरिया, पेनक्रियाटिक एरिया, कोलिक एरिया और जिजनल एरिया, ये सभी एरिया मिलकर के हमारी एंटीरियर सरफेस फॉर्म करते हैं या एंटीरियर सरफेस पर ये इम्प्रेस्ड होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। तो किडनी की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो फ्लैट सरफेस होती है। कैसी होती है? फ्लैट सरफेस। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एंटीरियर सरफेस के बारे में है। तो एंटीरियर सरफेस आप देख सकते हैं ये कैसी है, रफ है। कैसी होती है ये? रफ। कैसी? रफ। लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, मानी फ्लैट सरफेस होती है। क्लियर। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी किडनी की स्ट्रक्चर में आप सामने डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ये जो हमारी किडनी है वो मिलती कहाँ है, ये रिट्रोपेरिटोनियली पाई जाती हैं, पेरिटोनियम के पीछे की तरफ, और हमारे जो वर्टिब्रा हैं उनके दोनों तरफ। क्लियर। और इस डायग्राम में आपको कट सेक्शन ऑफ किडनी के बारे में दिखाया गया है, जिसमें किडनी के अलग अलग पार्ट शो कराए गए हैं। जैसे सबसे पहला है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स ये जो पार्ट है ये माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, रीनल पिरामिड, पेपिला, रीनल कॉलम, रीनल कॉर्टेक्स, कैप्सूल, यूरेटर, रीनल मेडुला एंड रीलम, रीनल हाइलम। तो ये सभी पार्ट इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, इन्हीं सभी पार्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमेशा याद रखिएगा जो किडनी है उसकी दो स्ट्रक्चर होती हैं, पहली ग्रॉस स्ट्रक्चर, दूसरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जो ग्रॉस स्ट्रक्चर होती है उसमें हम जिन स्ट्रक्चर्स को अपनी आँखों से देख सकते हैं, अपनी आई से देख सकते हैं, उन्हें हम ग्रॉस स्ट्रक्चर में रखते हैं। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम उन्हें कहते हैं जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखी जाती हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जिन स्ट्रक्चर को हम देखते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आती हैं। उनमें आते हैं नेफ्रॉन। क्या आता है? नेफ्रॉन। तो हम यहाँ पर सिंपल बात करेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर की। तो द किडनी इज डिवाइडेड इंटू टू मेजर स्ट्रक्चर्स। जो हमारी किडनी है ह्यूमन किडनी दो मेजर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती है, कौन कौन सी? आउटर रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर रीनल मेडुला। अगर आउटर साइड से देखें, बाहर की तरफ से देखें तो रीनल कॉर्टेक्स होता है, और हम अंदर की तरफ देखेंगे तो जो अंदर वाला पार्ट है वो रीनल मेडुला होता है। क्लियर। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं नीचे ये रीनल कॉर्टेक्स, ये इधर पार्ट आप देख सकते हैं ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया, और ये बाहर की ये अंदर वाला जो है वो क्या है? रीनल मेडुला। क्लियर। ग्रॉसली दिस स्ट्रक्चर टेक्स द शेप ऑफ 8 to 18 कोन शेप रीनल लोब्स। मींस हमारी किडनी के अंदर 8 से लेकर के 18 तक रीनल लोब्स होते हैं, जिनके अंदर रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं, या उन्हें हम रीनल पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। 8 से लेकर के 18 तक हमारी एक किडनी के अंदर रीनल पिरामिड्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये पिरामिड की शेप में जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इन्हें हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में। द टिप और पेपला ऑफ ईच पिरामिड एम्प्टी द यूरिन इनटू द माइनर कैलिक्स। जो हमारी किडनी होती है उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो जो हमारी रीनल पेपला होती है, जो रीनल पेपला है वो रीनल पेपला की जो टिप है वो यूरिन को माइनर कैलिक्स में एम्प्टी करती है, और माइनर कैलिक्स एम्प्टी इनटू द मेजर कैलिक्स। जो माइनर कैलिक्स है वो उसको एम्प्टी कर देता है मेजर कैलिक्स में, एंड मेजर कैलिक्स एम्प्टी इनटू द रीनल पेल्विस। जो मेजर कैलिक्स है वहाँ से फिर यूरिन जाता है रीनल पेल्विस में, फिर उसके बाद ये जाता है यूरेटर में, एंड एट द हाइलम द यूरेटर एंड रीनल वेन इज एग्जिट। जो हाइलम पॉइंट है वहाँ से रीनल वेन, किस कहाँ से? हाइलम पॉइंट से रीनल वेन और यूरेटर दोनों एग्जिट करते हैं, एंड द रीनल आर्टरी एंटर्स। हाइलम पर ही
रीनल आर्टरी और रीनल वेंस एंटर और एग्जिट करते हैं एंड हाइलर फैट एंड लिम्फेटिक टिश्यू विद लिम्फ नोड्स सराउंड दीज स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हिलार फैट लिम्फेटिक टिश्यू एंड लिम्फ नोड सराउंड करते हैं यानी घिरने का काम करते हैं एंड द हिलार फैट इज कॉन्टिजुअस विद द फैट फिल्ड कैविटी कॉल्ड रीनल साइनस। जो रीनल साइनस है वो हिलार फैट के साथ कंटिन्यूस होकर के बनती है एंड द रीनल साइनस कलेक्टिवली कंटेन द रीनल पेल्विस एंड कैलेक्स एंड सेपरेट दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम रीनल मेडुलरी टिश्यू। इट मीन्स जो हिलार फैट है उसकी सहायता से जो रीनल साइनस बनता है उस रीनल साइनस से हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रीनल पिरामिड है, कौन सा रीनल कैलेक्स है, कौन सा रीनल मेडुला है और कौन सा कॉर्टेक्स पार्ट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पाथवे ऑफ यूरिन। जो यूरिन का पाथवे होता है वो क्या होता है, सबसे पहले रीनल आर्टरी से ब्लड छन के नेफ्रॉन में आता है और नेफ्रॉन से कैलेक्स में जाता है, कैलेक्स से रीनल पिरामिड पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के बाद यूरिनेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक। स्ट्रक्चर में हम आगे पढ़ते हैं, अभी तक हमने बीच में पढ़ा था यूरिन का पाथवे, पाथवे ऑफ यूरिन। अब हम बात कर रहे हैं कवरिंग्स ऑफ किडनी, जो हमारी किडनी है उनकी कौन कौन सी कवरिंग्स उसको घेर करके रखती हैं। तो किडनी है फॉलोइंग कवरिंग्स, जो किडनी है उसमें मेनली चार कवरिंग होती हैं, पहली फाइब्रस कैप्सूल, दूसरी पेरीरीनल फैट, तीसरी रीनल फेसिया और चौथी पैरारीनल फैट। अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस कैप्सूल। ये फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है, इट सराउंड द किडनी एंड क्लोजली अप्लाइड टू द आउटर सरफेस। जो फाइब्रस कैप्सूल है वो हमारी किडनी में आउटरली सबसे बाहर की तरफ हमारी किडनी को कवर करके रखने का काम ये करता है। उसके बाद में पेरीरीनल फैट, ये जो फैट होता है ये फाइब्रस कैप्सूल्स को कवर करने का काम करता है। नेक्स्ट रीनल फेसिया, ये रीनल फेसिया क्या होती है, दिस इज कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के ये बनी हुई होती है एंड लाई आउटसाइड द पेरी रीनल फैट एंड एनक्लोज द किडनी एंड सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये क्या करती है, पेरी रीनल फैट, जो पेरी रीनल फैट है उसके आउटसाइड में पाई जाती है और ये किडनी और सुप्रा रीनल ग्लैंड दोनों को एनक्लोज करने का यानी कि घेरने का काम करती है। अगला आता है पैरारीनल फैट, दिस लाई एक्सटर्नल टू द रीनल फेसिया, ये रीनल फेसिया के एक्सटर्नल साइड में बाहर की तरफ पाया जाता है एंड इट फॉर्म द रीट्रोपेरिटोनियल फैट, ये रीट्रोपेरिटोनियल फैट फॉर्म करता है। क्लियर। तो ये इसकी चार लेयर हैं किडनी की, फाइब्रस कैप्सूल, पैरारीनल फैट, रीनल फेसिया एंड पैरारीनल फैट। क्लियर। अब हम बात करेंगे जो हमारी किडनी है उसके रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशंस या ऑर्गन एसोसिएशंस कह लीजिए, यानी किडनी के आसपास कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट किडनी की। तो राइट किडनी में अगर हम एंटीरियरली देखें सामने की तरफ तो सुप्रा रीनल ग्लैंड, लिवर, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट यानी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड हेपेटिक फ्लेक्सर, ये सभी स्ट्रक्चर्स एंटीरियरली पाई जाती हैं राइट किडनी के। और अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली डायफ्राम, 12th रिब्स, सोस कोमा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल कोमा क्वाड्रेटस लंबोरम मसल कोमा सब कोस्टल एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पोस्टीरियरली हमारी किडनी में पाई जाती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे लेफ्ट किडनी की, तो लेफ्ट किडनी में एंटीरियरली पाई जाती हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड, कौन सी वाली, लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियास एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ये सभी स्ट्रक्चर्स एंटीरियरली होती हैं। और पोस्टीरियरली हमारी किडनी से सेम एंड राइट किडनी की तरह ही स्ट्रक्चर्स अटैच होती हैं, रिलेट करती हैं, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि पोस्टीरियरली राइट साइड में 12th रिब्स होती हैं और लेफ्ट किडनी में 11th रिब्स होती है, यानी 11th रिब्स से ये रिलेट करती है। क्लियर। तो दिस इज अबाउट रिलेशंस ऑफ किडनी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डायग्राम ऑफ रिलेशंस ऑफ किडनी, जो हमारी हमने अभी रिलेशंस पढ़े हैं उनको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये एंटीरियर रिलेशनशिप है और ये है पोस्टीरियर रिलेशनशिप। तो एंटीरियरली आप देख सकते हैं सुप्रा रीनल एरिया, हेपेटिक एरिया, ड्यूडेनल एरिया, कोलिक एरिया, जुजनल एरिया, सुप्रा रीनल एरिया, कोलिक एरिया, सुप्रा रीनल, स्प्लीनिक एरिया, ये सभी एरिया अभी मैंने आपको
एंटीरियर सरफेस में बताए थे, वही एरिया है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस ऑफ किडनी में आते हैं। ऐसे ही अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली इस तरीके से रिलेशनशिप, जैसे सॉस मेजर मसल, पार्टिसल लंबोरस मसल, 11th ribs, 12th ribs, तो ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से हमारी किडनी से रिलेट करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किडनी की आर्टेरियल सप्लाई के बारे में, यानी ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो उसकी जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो होती है रीनल आर्टरीज के थ्रू। जो हमारी किडनी है उसकी रीनल, यानी किडनी की जो ब्लड सप्लाई होती है, आर्टेरियल सप्लाई, वो रीनल आर्टरी के थ्रू होती है। इसकी जो वीनस सप्लाई है वो रीनल वेंस के थ्रू होती है। उसकी जो लिम्फेटिक सप्लाई है वो लेटरल एओर्टिक नोड्स के द्वारा होती है। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो रीनल प्लेक्सस, जो कि T10 to L11 इनसे मिलकर के बना हुआ होता है, ये उनसे होती है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट किडनी। तो आज हमने पढ़ा किडनी के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, एंड हमारे YouTube चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।